स्वयं सहायता समूह की महिलाओं को मेरे तरफ से नमस्कार। आप सभी को हमारे प्रेरणा टीवी चैनल के तरफ से भी दीदी नमस्कार। अगर अभी तक आपने हमारे प्रेरणा टीवी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द ही सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आप सभी को डेनआरएलएम से जुड़ी उसके साथ साथ केंद्र सरकार के द्वारा जो भी योजना चलाई जाएगी सबसे पहले दीदी आप सभी को अवगत कर दिया जाएगा। तो प्लीज़ आप सभी से निवेदन है कि आप हमारे प्रेरणा टीवी चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। अगर दीदी आप पहले से ही डीएनआरएलएम में जुड़ी हैं तो आपसे निवेदन है कि आप सभी पंचसूत्र का पालन करना बिल्कुल ना भूलें। साप्ताहिक बैठक, साप्ताहिक बचत, आंतरिक उधार, समय ऋण वापसी, लेखा जोखा, इन पंचसूत्रों का करें पालन और अपने समूह को रखें सक्रिय, क्योंकि सक्रिय समूह को ही योजनाओं का लाभ दिया जाता है और वैधता भी मिलती है। तो चलिए ज़्यादा दीदी बात न करते हुए मेन टॉपिक की तरफ आते हैं। जैसा कि आपने हमारे थंबनेल में देखा है, शुरू होगा दीदी हथकरघा उद्योग। जी हाँ, हैंडलूम ग्रोथ सेंटर का होगा निर्माण। स्थानीय हुनर को सही मंच देने एवं महिलाओं को स्वरोजगार परक प्रशिक्षण देकर उन्हें मुख्य धारा से जोड़ने के लिए जिले में ग्रोथ सेंटर की भूमिका बेहतरीन साबित हो रही है। रुद्रपुर बेकरी ग्रोथ सेंटर ने राष्ट्रीय स्तर पर पहचान भी बना चुका है। राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत जिले की महिलाओं को और सशक्त बनाने के लिए खटीमा में हैंडलूम ग्रोथ सेंटर, जी हाँ हैंडलूम ग्रोथ सेंटर खोलने की योजना बन रही है। यहाँ के हथकरघा हुनर को नई पहचान देने के लिए विभाग की ओर से प्रस्ताव भेजा गया है। उम्मीद है कि जल्द ही बजट स्वीकृत होने के बाद निर्माण कार्य आरंभ हो सकेगा। स्थानीय हुनर को सही मंच देने एवं महिलाओं को स्वरोजगार परक प्रशिक्षण देकर उन्हें मुख्य धारा से जोड़ने के लिए जिले में ग्रोथ सेंटर की भूमिका बेहतरीन साबित हो रही है। रुद्रपुर बेकरी ग्रोथ सेंटर ने राष्ट्रीय स्तर पर पहचान भी बना चुका है। अब इसी क्रम में और ग्रोथ सेंटर का निर्माण होना है। खटीमा में बड़े स्तर पर हैंडलूम का कार्य किया जाता है। करीब 5000 से अधिक थारू समाज की महिलाएं इस कार्य में लगी हैं। खुद से डोलची, डलिया, पर्स, डस्टबिन, बैग, थैला की रिंग, मैट आदि पीढ़ी दर पीढ़ी बनाती आ रही हैं। जिले भर में सबसे अधिक हैंडलूम का कार्य खटीमा में होता है। इसी के दृष्टिगत ग्राम पंचायत नौगढ़वा ठाकुर में हैंडलूम यूनिट के लिए ग्रोथ सेंटर तैयार किया जाएगा। इसके निर्माण में कुल 35.5 लाख रुपए का बजट रखा गया है। इसमें 30 लाख रुपए BADP एवं 3.5 लाख रुपए मनरेगा से खर्च होंगे। इस रोजगार परक कार्य को पूरा करने का लक्ष्य मार्च तक रखा गया है। स्वयं सहायता समूह की महिलाएं इसका संचालन करेंगी, इससे उन्हें लाभ मिलेगा। योजना निदेशक हिमांशु जोशी ने बताया कि हैंडलूम के काम खटीमा में बेहतर चल रहा है। हजारों महिलाएं इससे जुड़ी हुई हैं और कार्य अच्छा कर रही हैं। इनके बनाए उत्पादों को बाजार देने के लिए एवं स्थायी निर्माण के लिए हैंडलूम ग्रोथ सेंटर बनाया जाएगा, प्रस्ताव भेज दिया गया है। अगर दीदी आप लोग भी यह कार्य करना चाहती हैं, इसमें दीदी अच्छा खासा इनकम हो रहा है जहाँ पे ये काम महिलाएं करती हैं। अगर इस काम पे आप इंटरेस्टेड हैं, यह काम आप करना चाहती हैं, तो अपने जल्द से जल्द ब्लॉक स्तर पे बात करें, क्योंकि यह रोज़गार आपको मुहैया आपके ब्लॉक के ही द्वारा कराया जाएगा। अगर आप प्रस्ताव लिखकर अपने ब्लॉक पर भेजेंगी कि सर हमारी कुछ महिलाएँ हैं जो इस काम को करना चाहती हैं, तो आप अधिकारी को एक प्रस्ताव लिखकर भेजिए। आपका प्रशिक्षण भी DNRLM के द्वारा ही कराया जाएगा, वो भी निःशुल्क।
इस प्रशिक्षण के दौरान दीदी आप जो प्रशिक्षण देंगी, 10 आवासीय प्रशिक्षण होता है, 10 दिन का आवासीय प्रशिक्षण होगा, वो निःशुल्क होगा, आपका एक भी पैसा नहीं लगेगा। बस दीदी आने जाने का किराया लगता है, वहाँ पे आपको नाश्ता खाना सब कुछ अवेलेबल होगा, आपको सब कुछ मिलेगा, आपको घर से कुछ ले जाने की ज़रूरत नहीं है। तो आप सभी से प्लीज़ निवेदन है, अगर आप इस काम को करना चाहती हैं तो आप जल्द से जल्द अपने ब्लॉक या जिला स्तर पर बात करें। इस काम को तेज़ी से हो रहा है, बड़े स्तर पर ले जाने की मुहिम चल रही है। योजना निदेशक हिमांशु जोशी ने बताया कि हैंडलूम के काम खटीमा में बेहतर चल रहा है, तो यह काम आप सब भी कर सकती हैं अपने ज़िले वाइज, अपने ब्लॉक के थ्रू। जी हाँ, लेकिन आपको इसमें इंटरेस्टेड होना चाहिए, आपको यह करने की इच्छा होनी चाहिए। आप अपने समूह में, अपने ग्राम संगठन में बैठक करिए और यह चर्चा करिए कि हैंडलूम कौन कौन करना चाहता है। अगर आप करने में इंटरेस्टेड जो जो दीदी हैं उनका नाम लिखिए, लिस्ट बनाइए और अपने ब्लॉक स्तर जिला स्तर पर भेजिए। अगर वहाँ से आपको प्रत्यानुमान हो जाएगा तो आप सभी को प्रशिक्षण DNRLM के द्वारा ही कराया जाएगा, वो भी निःशुल्क बिना खर्चे का, आपका एक रुपया भी खर्च नहीं होगा और प्रशिक्षण भी मिल जाएगी। तो यह काम आज अच्छे काम, तो दीदी देखिए बहुत दीदियाँ यह कहती हैं कि यह काम दीदी हमें आता है, हमने किया है, लेकिन किसी कोई काम को करने के लिए प्रशिक्षण होना अनिवार्य है, क्योंकि आपको सर्टिफिकेट भी मिल जाता है, उसके साथ साथ आप जो आपके अंदर कुछ कमियां होती हैं वो पूरी हो जाती हैं। आप अपने अंदर कुछ कमियों को दूर करके आप अच्छे से उसी काम को कर सकती हैं। तो आप सभी से यही निवेदन है कि आप यह काम अगर करना चाहती हैं तो अपने ज़रूर ज़रूर अपने समूह में, अपने ग्राम संगठन की मीटिंग में प्रस्ताव रखें कि हमारी दीदी कौन कौन सा काम करना चाहती है। देखिए काम DNRLM इसी प्रकार ही मिलता है, अगर आप इच्छुक हैं किसी काम को लेकर तो अपने ग्राम संगठन और समूह में मीटिंग बैठाइए। और कौन सा काम, हैंडलूम ही नहीं, आप कोई भी ऐसा काम करना चाहती हैं तो पहले सबसे पहले ग्राम संगठन या समूह में मीटिंग बैठाना होता है और सभी दीदियों से यह पूछना होता है कि क्या दीदियां इच्छुक हैं यह काम करने के लिए। अगर दीदी इच्छुक होती हैं तो इस काम को प्रस्ताव लेकर ब्लॉक या जिला स्तर पर आप भेज सकती हैं। तो आपको ट्रेनिंग आपके जिला स्तर से ही करा दिया जाएगा, वो भी निःशुल्क प्रशिक्षण होता है, खाने पीने की भी दीदी व्यवस्था की जाती है। तो चलिए आज के वीडियो में बस इतना ही। जाते जाते एक बार फिर कहना चाहूँगी कि अगर दीदी आप गाँव में रहती हैं, जी हाँ अगर आप गाँव में रहती हैं और आपको DNRLM में जुड़ी नहीं है तो जुड़ जाइए, क्योंकि अब सारी योजनाओं का लाभ DNRLM की दीदियों को दिया जा रहा है जो इस समूह की सदस्य होती हैं। अगर आप नहीं जुड़ी तो जल्द से जल्द जुड़ जाइए। इस चैनल इस समय मेरे वीडियो को जो भी देख रहा है, दीदी अभी जो भी देख रहे हैं, अगर आप गाँव में रहते हैं तो यह चैनल आपके लिए है, प्रेरणा TV चैनल। अगर आप शहर में रहते हैं जो इस वीडियो को देख रहे हैं तो आपसे निवेदन है कि जल्द से जल्द हमारे दूसरे चैनल प्रेरणा TV चैनल शहरी को जरूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि उस चैनल पे आप सभी को DNULM से जुड़ी जानकारी दी जाती है। जी हाँ दीदी, राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन से जुड़ी जानकारी उस चैनल पे दी जाती है। तो आप जल्द से जल्द अगर आप नगर पालिका के अंतर्गत आते हैं तो हमारे दूसरे चैनल प्रेरणा TV चैनल शहरी को जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए आज के वीडियो में बस इतना ही, धन्यवाद, जय आजीविका।